हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको उषा का लिटिल किचन पे। आज दोस्तों मैं आपको 7-in-1 बर्फी कैसे बनता है ये बताने वाली हूँ। ये त्योहार के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान से बनने वाला है। इसको कैसे बनाते हैं पहले हम देख लेते हैं। इसके लिए क्या क्या सामग्री जरूरत पड़ती है देखिए, गिन लीजिए आप। 7 प्रकार के हम इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसान सरल कोई भी बिगिनर्स बना सकते हैं वैसा के बर्फी है ये। इसके लिए दो ये मैंने हिसाब लिया है, इस कप से 2 कप चीनी का लिया है, 2 हो गए, 1 कप घी लिया है, 3 हो गया, 1 कप दूध लिया है, 4, 1 कप नारियल का बूरदा लिया है, 5, 1 कप बेसन लिया है, ये 6, और 1 कप ये मैंने काजू और बादाम, बादाम के छिलके ऐसे निकाल दिए हैं, इनको लिया है 1 कप, ये हो गए 7। इसको हम मिक्सर जार में बारीक से पाउडर कर लेंगे। और आखिरी में मैंने 1 चम्मच इलायची लिया है, उसको मैंने पाउडर कर लिया है। दोस्तों इलायची को कूटने के लिए मैं एक टिप्स दे देती हूँ आपको। उसके लिए थोड़ा सा चीनी के साथ इलायची को खोल के उसके बीज को कूटेंगे तो बहुत जल्दी पाउडर बन जाता है, तो ये भी 1 चम्मच मैं डालने वाली हूँ। चलो आइए आप बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम दोस्तों एक थिक पैन ले लेंगे, गैस धीमी आंच पे गैस को रख लेंगे और सबसे पहले हम बेसन को भून लेंगे। गैस को धीमी रखेंगे और इसका कच्चापन पूरा जाना है और इसमें से सुगंधी खुशबू आने लगेगी बेसन से, तब तक इसको भूनना है। कच्ची बेसन से बर्फी अच्छी नहीं बनती, तो इसको हम चलाते रहेंगे और इसको जब तक इसमें से खुशबू आती है तब तक हम इसको बेसन को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें कोई तेल विल कुछ भी डालने की, घी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सूखा सूखा इसको भूनना चाहिए। हमारा बेसन धीरे धीरे भून चुका है, अच्छी से खुशबू आने लगी है इसमें से। एक कप हमारा बेसन हो गया, अब इसमें हम 1 कप नारियल का बुरादा डाल देंगे, 2 कप हो गया, इसमें हम बादाम और काजू मैंने तोड़ के रखा था उसका 1 कप डाल देंगे, 3 हो गया, दूध डाल देंगे, 4 हो गया, चीनी डाल देंगे 2 कप, 6 हो गया, चीनी डालते ही चीनी पिघलने लगेगी। थोड़ा सा और 1 कप घी डाल देंगे हम, काफी आसान है फ्रेंड्स ये बनाना।
बस धीमी आंच पे इसको चलाते रहेंगे। जब तक ये कढ़ाई को छोड़ के आती है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। इसके बीच में हम एक ट्रे लेंगे या एक बर्तन लेंगे, उसमें हम ग्रीस करके रख देंगे, जिसमें हम जब ये कढ़ाई छोड़ के आती है तब इस बर्फी को उसमें डाल के थोड़ी देर ठंडा करने के बाद हम फिर काटेंगे। देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देखिए कढ़ाई छोड़ रही है, इस टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे और जितने इसमें हीट है उसी में इसको कुक करेंगे थोड़ी देर और। अब इसमें हम इस बर्तन पे से डाल देंगे। ऊपर से इलायची भी डाल देंगे, एक चम्मच में थोड़ा घी लगा के इसको लेवल करेंगे। इसमें डेकोरेशन के लिए डाल देंगे, दबा देंगे। इसको अभी ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद मैं बताती हूँ कैसे काट। देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, अभी हम इसे काट लेंगे। अभी थोड़ा सा गर्म है इसमें। देखिए व्यूवर्स हमारे बर्फी कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। इसे मैंने काट लिया है, ये इसको आप एक टाइट कंटेनर में डाल के रखिए, आप इसे 15 दिन तक खा सकते हैं। आप भी घर पे ट्राई करिए। अगर मेरा चैनल पसंद आ गया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल को भी हिट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं दूसरा कोई व्यंजन के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।